हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी सात ऐसी ज्ञान की बातें जो गीता से यदि आप जान लेंगे तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा और काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। तो कौन सी है वो ज्ञान की सात बातें जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इसका टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा अलग है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स मोस्टली गीता पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। तो उनको मैं बता दूँ कि गीता एक रिलीजियस बुक ही नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक भी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के हमें सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो ये सभी के लिए है कि वो गीता ज़रूर पढ़े ताकि उनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको टैकल कर पाए। तो काफ़ी अच्छी ये वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो आपके लिए टिप होगी गीता से वो होगी फोकस ऑन वर्क नॉट रिजल्ट। आपको जो है रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट से आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतरीन ही आएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड जो आपके लिए टिप होगी वो होगी पावर ऑफ मेंटोर। आपकी लाइफ में मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डिसीजंस मेकिंग में। यदि आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने अच्छे फ्रेंड्स का सलाह जरूर लें, अपने मेंटोर की सलाह जरूर लें ताकि आप लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाए। सभी की सलाह लेने के बाद ही लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन ले स्टूडेंट्स। एंड थर्ड होगी मेडिटेट टू फाइंड स्ट्रेंथ। आपको मेडिटेशन या योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंटरनली आपको स्ट्रेंथ मिलती है योग करने से, मेडिटेशन करने से। इससे आपका मन भटकता नहीं है, आपका मन इधर उधर नहीं जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मेडिटेशन या योग जरूर करें। एटलीस्ट 15 मिनट्स आप जरूर दे सकते हैं योग को या फिर मेडिटेशन को। नेक्स्ट होगा डोंट बी एनोइड। आपको गुस्सा नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको एंगर नहीं करना है क्योंकि एंगर हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है। तो यदि आप एंगर करते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखा है जो अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स पे गुस्सा करते हैं, तो इस तरह का नेचर आपको अपना नहीं बनाना है। जितने ज़्यादा आप काम रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बुद्धि आपके मन पे हावी होगी और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगी और आपकी बुद्धि अच्छे से वर्क कर पाएगी स्टूडेंट्स। तो आपको काफ़ी अच्छे से काम रहना है, किसी भी तरह की आपको एंगर आपने सामने नहीं लेके आना है। नेक्स्ट होगा फेस योर प्रॉब्लम विदाउट फियरिंग। आपको जो है अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको यदि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको वो फेस करनी सीखनी है विदाउट फियर के। क्योंकि यदि आप अभी से प्रॉब्लम से भागना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा जो आपकी लाइफ में आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम टैकल करनी सीखनी है, अपना फियर कम करना है प्रॉब्लम के साथ। यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना सीखना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपको उसे फेस करना ही सीखना है। तो आपको साहस के साथ उसको फेस करना है, बिना डरे आपको उसको फेस करना है ताकि आप उससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छा कर पाए। एंड लास्ट वन होगी, लास्ट सेकंड होगी आपके लिए नेवर थिंक निगेटिव। आपको कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, ना ही अपने बारे में और ना ही किसी और के बारे में, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा यही सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पॉजिटिव परिणाम आएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे आप, और जो भी करेंगे उसे हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करेंगे। जितनी भी तैयारी होगी अपना बेस्ट देंगे। एंड लास्ट वन होगी बी ए गुड पर्सन एंड अर्न लव एंड ब्लेसिंग्स। हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, तो हमें क्या यहाँ से लेकर के जाना है वो है लव एंड ब्लेसिंग्स। तो कुछ अच्छा कार्य करिए। आप जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी जितनी भी आपको नॉलेज है उसे दूसरों में बांटिए। जिस भी पोस्ट पे हैं उसको दूसरों को हेल्प दीजिए अपनी पोस्ट से। एंड काफ़ी अच्छा आप वर्क करिए सोसाइटी के लिए, पुअर के लिए और बाकी अन्य लोगों के लिए, ताकि आप लाइफ में काफ़ी अच्छे कार्य कर पाए और अच्छा इंसान बनिए, ताकि आप को जाने के बाद भी आपको सब याद करें। और काफ़ी अच्छे से आप वर्क करेंगे तो आपको लव एंड ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी, वही आपको अपने साथ लेकर के जानी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।